थैंक यू गायत्री. माय मदर टंग इज़ मलयालम. कितने लोग मलयालम जानते हैं इस ऑडियंस में? ओके, कैन आई स्पीक? आई ऑल्सो कैन स्पीक इन तमिल, बट हिंदी माय मदर टंग इज़ मलयालम. एंड देयरफॉर इफ आई विल स्ट्राइव टू स्पीक इन हिंदी, इफ देयर आर मिस्टेक्स, शुड आई स्पीक इन हिंदी? इफ देयर आर मिस्टेक्स प्लीज़ फॉरगिव मी, माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि मेरी हिंदी में जेंडर टेंस नहीं है. आजकल जेंडर इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, सो इसीलिए इट्स ऑल राइट टू मेक अ फ्यू मिस्टेक्स, बट प्लीज़ फॉरगिव मी, इट्स नॉट इंटेंशनल. मैं कोशिश करेंगी. जब मैं पढ़ रही थी, मेरी लीस्ट मार्क्स हिंदी में मिलते थे मुझे, 50%, एंड देन आई केम टू लिव इन दिल्ली एंड आई कैसे भी मैनेज किया अभी तक. ओके, राइट. ओके, मैं गायत्री का सवाल आंसर करने से पहले मेरी दो तीन क्लैरिफिकेशंस मैं देना चाहते हैं. एक चीज़ है कि मैं बार बार, मैं सिविल सोसाइटी रिप्रेजेंटेटिव है इस पैनल पे, मैंने ये भी पूछा कि कितना बड़ा पैनल है, मैंने आऊँ तो सम्मा के ग्रुप में इंसिस्ट किया, तो इसीलिए मैं इधर हूँ. है, हूँ, करेक्ट? सो द फर्स्ट थिंग इज अबाउट दिस होल नंबर ऑफ एन जी ओज की 3 मिलियन, 30 लाख, यू नो, काफ़ी टाइम में हम सुन रहे हैं. हम सबको मालूम है कि हम ये आर्का एक 1860 एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड हैं, एंड उसमें बहुत सारा संस्थाएँ रजिस्टर्ड हैं. पोर्ट ट्रस्ट रजिस्टर्ड है, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस, द क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया भी रजिस्टर्ड हैं, और तो इतना सारा संस्थाएं उसमें हैं कि सिर्फ एनजीओज नहीं हैं, सिर्फ यू नो जो नॉन प्रॉफिट सोसाइटीज़ जैसा हम जानते हैं वो नहीं हैं. तो ये सेग्रीगेशन करने का ज़रूरत है, क्योंकि बार बार ये सुनने के लिए आ रहे हैं. ये भी हमें पूछना है कि एनजीओज क्यों हैं, हम क्यों काम करने के लिए मैदान में आ गए और काम कर रहे हैं, क्योंकि एक ज़रूरत था. और जिस दिन गवर्नमेंट पूरी की पूरी काम कर सकता है, तो हमारी ज़रूरत नहीं है, हम सब वाइंड अप करके घर जा सकता है. ठीक है, सो पहले बात ये है कि वी आर हियर बिकॉज एक नीड है, और हम अपने फ्रूगल रिसोर्सेज रेस करके एक रिस्पॉन्ड करके एक हमारी पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम नीड्स के ऊपर रिस्पॉन्ड करके हम शुरू किया एनजीओज. और आप सब लोगों को ये एनजीओज ही बैठा है, मैं बोलने का ज़रूरत नहीं है, लेकिन कॉरपोरेट्स भी है, इसीलिए मुझे बोलने का ज़रूरत है कि बहुत इम्पोर्टेंट काम इस देश में एनजीओ के थ्रू हो गए, जैसा आरटीआई, लेप्रसी मिशन कंट्रोल, वाटरशेड मैनेजमेंट, जो भी है ना इम्पोर्टेंट वर्क इस देश में, वो एनजीओ लेड है, राइट? एनजीओज का एक कैपेसिटी है इनोवेटिव काम करके, और गवर्नमेंट का काम है वो स्केल अप करने के लिए, राइट? सेकेंड मिथ है, तो हमें कुछ अपोलोजिटिक बनने का ज़रूरत नहीं है, हम हैं जब तक सरकार पूरे का पूरा काम कर सकता है, राइट? सेकेंड है कि ये जो फिगर्स में सुन रहे हैं, मैं गायत्री को बताया कि मैं लास्ट में बात करेंगे, क्योंकि मैं सबके बात सुनना चाहते हैं. और ये 20,000 crores, 25,000 crores, दिस इज़ नॉट अ फैक्ट. एक सी एस आर एक्सपर्ट कमिटी वॉज सेटअप एंड वी वर वन ऑफ द पीपल, हरदीप इज ऑल्सो हियर इन द ऑडियंस. ये हमारी पहला सवाल था, हमें बुलाया गया था वो कमिटी पे इंटरेक्ट करने के लिए. हमारी पहले सवाल था, वॉट एग्जैक्ट फिगर्स आर वी टॉकिंग अबाउट? एंड उसने बताया हमें, बाकी PwC का भी असेसमेंट है, मिनिस्ट्री का भी अभी है, कि 5-6 हज़ार करोड़, 5-6 थाउज़ेंड करोड़ के बारे में हम बात कर रहे हैं, राइट? और आप ये सारा जोड़ेंगे तो 0.4% ऑफ द GDP होता है करंटली, गिविंग इन इंडिया इज 0.4% ऑफ द GDP. ओके, ये हम 2% तक ले जाएंगे, तब भी 1/10 होता है ऑफ सरकार जो वेलफेयर में खर्चा कर रहा है. तो लेट अस पोजिशन द कॉन्टेक्स्ट एंड द डिबेट इन द राइट फ्रेमवर्क. सबको समझ में आ गए ना, फिगर्स इतना नहीं है जैसा बताते जा रहे हैं. इस साल का स्पेंड है करीब 4,688, एग्जैक्ट फिगर आई मे बी रॉन्ग बाय अ फ्यू क्रोज, बट दिस इज़ द फिगर, दिस इज़ रिपोर्टेड, इट्स इन द मिंट. एंड द मेजर स्पेंडिंग हैज़ गॉन टू महाराष्ट्र. ऑल्सो आप सबको मालूम है स्वच्छ भारत के बारे में, यस?
गंगा एक्शन प्लान, स्वच्छ भारत, प्राइम मिनिस्टर्स रिलीफ फंड, ये तीनों एक्टिविटीज़ को 100% टैक्स एग्जेम्पशन मिला है. एक गेस फ्रॉम द ऑडियंस कि कितना स्वच्छ भारत को मिला है कॉन्ट्रीब्यूशन? बताइए. 50% ऑफ दैट 4,000 क्रोर्स यू थिंक? यस, यू राइट. किसने बताया? या यू राइट. तो या करीब 2,000 प्लस क्रोर्स स्वच्छ भारत के लिए गए क्योंकि ये 100% टैक्स एग्जेम्प्ट है. और हमारी दूसरी सवाल ये एक्सपर्ट ग्रुप के सामने हमने खड़ा कर दिया कि आपने एक शेड्यूल 7 बनाया, ओके, जिसमें आपने, आप सब लोग पढ़िएगा शेड्यूल 7, गायत्री बताएंगे क्या है. 12 चीज़ें हैं इसमें. कुछ चेंजेस हो गए, सोशल बिजनेस था वो चेंज करके, वो विडोज एल्डरली आ गए. आप पढ़ते रहना क्योंकि ये इवॉल्विंग सिनेरियो है. तो ये इस सिनेरियो में हमने पूछा था ये तीन चीज़ों के लिए सिर्फ आप 100% टैक्स एग्जेम्पशन कैसे दिया. एंड आई एम ग्लैड टू से कि दिस इज़ वन ऑफ द रिकमेंडेशंस ऑफ दैट कमिटी. आप प्लीज़ पढ़िएगा, ऑल ऑफ यू आर गोइंग टू बी इंटरनेट लिटरेट, कि द दिस क्वेश्चन हैज़ बीन रेज बाई द एक्सपर्ट कमिटी कि आपने 100% दो तीन चीज़ों में दिया को बिजनेसमैन या कोई भी इंसान, कोई भी सिटीजन जा कर के किस में डालेंगे पैसा? हाँ, जिसमें 100% एग्जैक्टली. ये अच्छा चीज़ है बट इट डिफीट्स द वेरी पर्पस, क्योंकि इंडिया में इतना सारा नीड्स और ज़रूरत हैं तो वो सब चीज़ों में जो हंगर है, पॉवर्टी है, उसमें भी जाना चाहिए, राइट. दूसरे एक NVGs के बाद आ गए एंड ज्योत्सना था उसमें, सेकंड एक्सपर्ट कमेटी में मैं भी था. और ये जब NVGs बनाया, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने बताया 100 टॉप कॉर्पोरेट्स को आपने रिपोर्ट करना ज़रूरी है लास्ट ईयर से कि अगेंस्ट दीज प्रिंसिपल्स. तो उसका मतलब है आपका प्रॉफिट आप कैसे बनाया, राइट. आपने ह्यूमन राइट्स को रिस्पेक्ट किया, ये आप पढ़ सकता है. 9 प्रिंसिपल्स हैं. तो ये 9 प्रिंसिपल्स के अनुसार सबको फाइल करना चाहिए था उनका रिपोर्ट. फाइल किया लास्ट ईयर. और BCF इज वन ऑफ द फाउंडर मेंबर्स ऑफ समथिंग कॉल्ड द कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी वॉच. प्लीज़ नोट कर दीजिएगा www.crw.corporaterresponsibilitywatch.in या हमारे .org या हमारी साइट पे भी देखेगा, जिसमें वो डिस्क्लोजर रिपोर्ट पड़ा है. हम स्टूडेंट्स को लेकर के और 14 अदर NGOs, प्रैक्सिस वगैरह को लेकर के हमने स्टडी किया कि ये 100 टॉप लोग क्या बता रहे हैं कि उनके प्रॉफिट्स कैसे बनाया. और उनमें से हमें एनालिसिस के थ्रू वन कंपनी हैज़ आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस. करीब 8 to 9 कंपनीज हैव मोर और लेस आंसर्ड क्वेश्चंस. द रेस्ट इट इज़ ऑफ कोर्स द फर्स्ट ईयर, इम्प्रूव होते जाएंगे. और इस साल भी हम नेक्स्ट मंथ हम रिलीज करेंगे रिपोर्ट. तो ये बहुत ज़रूरी है, आप लोग ये पढ़िएगा, ठीक है. और ये रिपोर्ट में आपको, एंड इस साल से CSR रिपोर्ट्स, सब पैनलिस्ट आपको बताया कि CSR रिपोर्ट्स भी वेबसाइट्स पे होंगे. ये दोनों साथ साथ पढ़िएगा आप, ओके. बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट अलाइन करके CSR रिपोर्ट को भी पढ़िएगा. एंड दोनों में मैच है तो आप जाइएगा पार्टनरशिप करने के लिए, राइट. क्योंकि एज NGOs हमारी काम है कि, गांधी जी ने बोला है कि कोऑपरेट व्हेन यू कैन एंड रिजिस्ट व्हेन यू मस्ट. इस देश के बारे में हमको बहुत सारे क्वेश्चंस हैं. एक क्रशिंग ऑफ डिसेंट हो रहा है, बहुत सारा एडवर्स एनवायरनमेंट है NGOs के लिए. तो देयरफॉर अपना नॉन निगोशियबल्स, अपना जो प्रिंसिपल्स हैं आपको पहले तय करना है बिफोर यू स्टार्ट डेस्परेटली लुकिंग फॉर फंडिंग. एंड फंडिंग के लिए जब आप जाएंगे, आई थिंक ओबामा कैंपेन इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल्स. ओसामा, यू मस्ट ऑल्सो टॉक अबाउट द ओबामा कैंपेन, जिसमें छोटे छोटे डोनेशन से ना ही वन ऑफ द मेन स्ट्रैटेजीज ऑफ प्रेजिडेंट ओबामाज कैंपेन वॉज ही गॉट स्मॉल डोनेशंस. इफ़ यू लुक एट से ऑर्गेनाइजेशन लाइक हेल्पेज इंडिया, अभी इधर नहीं है मिस्टर चेरियन, लेकिन उनका फंडिंग 70% इंडिविजुअल डोनेशन से आते हैं. From people, from individuals, of course they have a track record of 35 years. But aap log bhi apna track record banenge. Aur individuals jo untied funds hain, 10% hai uska FCRA. Aur hum sabko pata hai FCRA ka kya chal raha hai aajkal. 10% hai corporate se. To your funding base must be diverse.
ये नहीं है कि एक कॉर्पोरेट आकर के आपका एनजीओ को रेस्क्यू करेंगे, पूरा देश को रेस्क्यू करेंगे, क्योंकि वो लोग को भी अपना चैलेंजेस हैं, अपना ऑपरेशनल डिफ़िकल्टीज हैं, अपना चैलेंजेस है, कम्युनिटीज़ आर अप इन आर्म्स, बहुत सारा जगह पे कंपनी डालने का भी अलाउ नहीं कर रहा है, कम्युनिटीज़ है या नहीं या तो इसीलिए कंपनीज़ को भी अपना चैलेंजेस हैं, एंड देयरफॉर द गवर्नमेंट इन इट्स विजडम ब्रॉट दिस एक्ट। एंड गायत्री ने पूछा था कितने लोग पढ़ा है, ये पूरे कंपनीज एक्ट पढ़ने का ज़रूरत है, क्योंकि उसमें रोल ऑफ डायरेक्टर्स, द रोल ऑफ ऑडिटर्स, फ्रॉड डिफाइन किया है, विसल ब्लोअर प्रोविजन है, क्लास एक्शन सूट्स, तो ये सब आप लोग डिटेल में पढ़ने का, एज एन जी ओज वी मस्ट बी वेल इन्फॉर्म, बिकॉज वी हैव टू, हमारी कम्युनिटीज़ के साथ जब हम काम करेंगे तब वी हैव टू टेक ऑल दिस, कीप ऑल दिस इन माइंड। So that is my third point, and we need to carefully look at integrity on both sides. Ye due diligence jab karenge, sirf NGO ke baat honge to aap honest hai ya honest nahi hai, ye pehla sawal hai, misuse ho jayenge, to dono taraf hame ye sawal puchna hai, aapka board of directors mein kaun hai, conflict of interest hai na, relations hai ya nahi, corporate foundations mein same founder baitha hai kya ya unka rishtedar, तो ये सब सवाले पूछने का ज़रूरत है। एंड ऑल्सो वी आर सीइंग दैट बहुत सारा इश्यूज हैं ऑफ नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स केसेस, बहुत सारा इश्यूज चल रहा है, बजट फॉर गॉन, हम सब कुछ ना कुछ मिलते भी हैं, ऐसा नहीं है कि हम प्रोडक्ट्स थिन एयर से बनाते हैं, तो जब हम कम्युनिटी से रिसोर्सेस लेते हैं हमको वापस देने का भी ज़रूरत इज नेसेसरी। एंड CSR का फंडिंग, येस, वेन यू आर सेटिस्फाइड विद ऑल दीज नॉर्म्स, वेन यू, आपका नॉन निगोशियबल्स आपको तय करना है, क्योंकि BCF में है कि हम अल्कोहल कंपनीज के साथ काम नहीं करेंगे, क्योंकि हम सोशल संस्था हैं, हमें सोशल ईवल्स के ऊपर काम करते हैं, या टोबैको कंपनी के साथ हम काम नहीं करेंगे, तो वो हमारी प्रिंसिपल्स हैं, वैसा आप लोग को भी तय करना है, क्योंकि दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड यू मस्ट बी इक्वल्स एट द निगोशिएटिंग टेबल। ज़रूरी कॉर्पोरेट्स अपना रिसोर्सेज लाते हैं, लेकिन NGOs अपना क्रेडिबिलिटी, अपना ईयर्स ऑफ वर्क, अपना बिल्डिंग ट्रस्ट विद कम्युनिटीज, आपका भी अपना स्ट्रेंग्स है, तो दोनों मिलकर के इक्वल पार्टनर्स बन जाएंगे द निगोशिएटिंग टेबल, देन द पार्टनरशिप विल वर्क, नॉट अदरवाइज। लॉपसाइडेड नहीं है, ये नहीं है कि एक फाइनेंस ला रहा है तो मैं डिक्टेट करेंगे आपको जो टर्म्स हैं। और इंडियाज़ फॉर्मल सेक्टर इज़ टुडे जस्ट 10% श्रिंक होते जा रहे हैं, हम सबको पता है। 90% एक्शन द नॉन फॉर्मल एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर पे है। लास्ट वीक मैंने एक मीटिंग पे था, सेफ इन इंडिया, एक ग्रुप ऑफ IIMA स्टूडेंट्स रिलीज्ड अ रिपोर्ट ऑन वर्कर्स सेफ्टी, वर्कर्स हु आर गिविंग टू द सप्लाई चेन्स टू द लार्जेस्ट ब्रांड्स इंजर्ड होते जा रहे हैं। मेक इन इंडिया, सेफ इन इंडिया में, मेक इन इंडिया और स्किलिंग इंडिया में सेफ्टी का डिबेट भी सेंट्रल है, यू नो, वर्कर सेफ्टी, ऑक्यूपेशनल हेल्थ, बिकॉज ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर बढ़ते जा रहे हैं एंड वेजेस कम होते जा रहे हैं। मैंने उस स्टडी से द्वारा, एंड आई कैन सर्कुलेट टू एनीबडी हु वांट्स अ स्टडी, ये स्टडी में बताया गया है कि करीब 12-14 घंटा, 18 घंटा लोग काम कर रहे हैं, एंड मिनिमम वेजेस आर नॉट बीइंग इम्प्लीमेंटेड। सो देयर आर इश्यूज which concern all of us as non-profits in this group. And therefore, I will end with what Mahatma Gandhi said. He said, cooperate when you can and resist when you must. So, kabhi kabhi humko awaaz uthana hai, kabhi humko co-op nahi hona chahiye, hum cooperate zarur karna hai in the interest of the nation and development. Yes? So, those are my points.